प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लापता अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटों को पुलिस ने बाल सुधार गृह में भेजा है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों उन्हें घूमते हुए मिले थे, इन्हें किसी भी जांच या पूछताछ के लिए नहीं उठाया गया था और सुरक्षा की दृष्टि से बाल सुधार गृह में रखा गया है। इससे पहले अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कोर्ट में एक याचिका देते हुए कहा था कि पुलिस ने उमेश पाल मर्डर केस के बाद उनके नाबालिग बेटों को गैर कानूनी ढंग से उठा लिया था। शाइस्ता ने इस संबंध में कोर्ट से याचिका देते हुए कहा था कि वो पुलिस से इस मामले पर आख्या मांगे। कोर्ट के आख्या मांगने के बाद पुलिस ने यह जवाब दिया कि अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटे उसे घूमते हुए मिले थे, जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है, इन्हें किसी भी पूछताछ या जांच के लिए थाने में नहीं बैठाया गया था। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के भैंसाली बस स्टेशन पर रविवार को एक संदिग्ध बैग मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मेरठ में बस स्टैंड पर मिले बैग में बम होने की खबर मिली तो पुलिस में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में अधिकारियों ने बस स्टेशन को सील कराया और इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर भेजा गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड की पड़ताल में इस बैग में एक युवती के कपड़े और कुछ अन्य सामान मिले। बाद में बस स्टैंड को वापस से खोला गया और बसों का परिचालन फिर से शुरू कराया गया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। प्रशासन ने रविवार को दो स्थानों पर मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर से कार्रवाई की है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में अफजाल अंसारी के इंटर कॉलेज पर पुलिस का बुलडोजर एक्शन हुआ है। मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़े इंटर कॉलेज की दीवार को प्रशासन ने जमींदोज कराया है। इस दौरान SDM और पुलिस के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े स्वर्गीय कमलेश सिंह के एक भवन पर भी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने रेलवे क्रॉसिंग के पास बने भवन को बुलडोजर से गिरवा दिया है। अयोध्या में बन रहे भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को देखने के लिए करीब 150 संत इसके परिसर में पहुंचे। रविवार को इन संतों ने मंदिर निर्माण के काम को देखा और निर्माण कार्य पर संतुष्टि जताई। इस दौरान राम जन्मभूमि ट्रस्ट के तमाम सदस्य भी इन संतों के साथ मौजूद रहे। संतों ने राम मंदिर के निर्माण कार्य पर खुशी जाहिर करते हुए ट्रस्ट के सभी सदस्यों को अपना आशीर्वाद दिया और ये उम्मीद जताई कि इस साल के अंत तक राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। होली के त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बुलडोजर पिचकारी की धूम देखने को मिल रही है। होली से पहले उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर हो रहे बुलडोजर एक्शन को देखते हुए बाजार में भी बुलडोजर सरकार के एक्शन का ब्रांड बन गया है। होली के मौके पर तमाम पिचकारियों को बुलडोजर ब्रांड से बेचा जा रहा है। CM योगी के गृह जनपद और विधानसभा क्षेत्र में भी इसकी खासी धूम देखने को मिल रही है। गोरखपुर के बाजारों में बुलडोजर पिचकारी की मांग बढ़ी है। ऐसी पिचकारियों को वाराणसी, लखनऊ और प्रयागराज समेत कुछ अन्य बाजारों में भी देखा गया है।